अब खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, जनते चला गया, पूजिए गायब है तो लगेबे करेंगे आरोप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 380 से ज्यादा सीट आवेगा, गर्दा उड़ेगा कल अबीर का और बुलडोजर चलेगा बड़ी तेजी से। इसीलिए इन लोग जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो छटपटा रहे हैं, उन लोगों का अंतिम समय आ गया है, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है उन लोगों की। कल होली नहीं, अबीर का गर्दा उड़ेगा, राष्ट्रवाद का धुआं उड़ेगा। तो कल के परिणाम के बाद 24 में पुनः मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी सत्य हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार में, आपके साथ अभिजीत सिंह। कल 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने को है, इसी को लेकर आज बिहार के बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बिचौल ने कहा है कि यूपी में भाजपा की सरकार आने वाली है और टोटल 380 सीट भाजपा को मिलेगी। और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि विपक्ष के मुंह पर कल बुलडोजर चलेगा। क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के विधायक बिचौल, सुनिए उनकी पूरी बातों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 380 से ज्यादा सीट आवेगा, गर्दा उड़ेगा कल अबीर का और बुलडोजर चलेगा बड़ी तेजी से, विकास और जो तक्षक है उस पर बुलडोजर कल से खूब चलेगा। ईवीएम हैक हो रहा है, विपक्ष कह रहा है। अब खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, जनते चला गया, पूजिए गायब है तो लगेबे करेंगे आरोप। ट्रक से भी हम तो उससे पहले ले लिए थे टिकट लंदन का। इस्लाम, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र विरोधी लोगों की सरकार यूपी में नहीं बननी चाहिए। उनके जो कौन जान है, उनके जो जोकर है, जो उनका बॉस है, वही कहा था कि कई लोग यूपी छोड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी बिहार छोड़ना पड़ेगा, एमआईएम को भी। अब राष्ट्रवाद की गाड़ी तेजी से चल चुकी है और कल के परिणाम के बाद 24 में पुनः मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी सत्य हो जाएगा। इसीलिए इन लोग जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो छटपटा रहे हैं, उन लोगों का अंतिम समय आ गया है, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है उन लोगों की। ये बुलडोजर कहाँ चलने वाला? क्या करेंगे, पहले क्या बोलते थे, अब हार का तो अंदेशा पहले था, तब ना लंदन का टिकट ले लिए थे समाजवादी पार्टी के नेता। कौन कौन लिए थे लंदन का टिकट? लंदन का टिकट लिए थे राहुल जी, बाबुल जी, वो क्या नाम है उनका, लंकेश, दंगेश, ये सब ले लिया था। अशोक राजभर ने आज भी कहा है कि कल 10 बजे सुबह में हम लोग मिलेंगे, मंदिर चल जाएंगे, हम लोग मिलेंगे। मंदिर तो हम लोग का आराध्य है, मंदिर में तो हम लोग रहेंगे, मंदिर तो मान लीजिए मंदिर के हेड हैये हैं, लेकिन राष्ट्र मंदिर में अब हम लोग रहेंगे, राज्य मंदिर में हम लोग रहेंगे। विधानसभा तो लोकतंत्र का मंदिर ही होता है ना, हम लोग उसमें रहेंगे। अब हम लड्डू उड्डू मत सोचें, सत्ता मिला तो परिवार को सेवा किए, अब जो राज्य और राष्ट्र की सेवा करेगा वही लड्डू खाएगा, निश्चित खिलाएंगे। अब खाएंगे नहीं तो कल आएंगे कि भी नहीं आएंगे, हमको संकेत है। बुलडोजर कहाँ चलेगा? कल होली नहीं, अबीर का गर्दा उड़ेगा, राष्ट्रवाद का धुआं उड़ेगा, जो भी देश विरोधी ताकते हैं मुंह छुपाता हुआ कल आप लोगों को नजर आएगा। ये बुलडोजर कहाँ चलने वाला? बुलडोजर चलेगा बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर विकास का भी प्रतीक है और जो देश विरोधी ताकते हैं उसके विनाश का भी प्रतीक है बुलडोजर। दोनों, विकास भी चलेगा और वैसे लोगों का विनाश भी किया जाएगा। विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, आप सरकार में हैं, केंद्र में हैं, बिहार में हैं, तो ऐसे ताकतों को जेल के पीछे क्यों नहीं भेजते हैं? क्या प्रशासन में मिले जुला उससे? अब सब होगा, सबको जेल जाना पड़ेगा, सब कल से डिरियाएगा, चिल्लाएगा, देखिएगा कल से। अखिलेश यादव ने कहा साइकिल की गति को कमजोर समझेंगे, 10 तारीख को उनको मुंह के खाने। साइकिल पंचर हो गया, पंचर।